अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जो तू चाहे के एपिसोड 41 के प्रोमो के बारे में। इस ड्रामा में आप लोग देखेंगे कि रिशा अपने किए पे बहुत पछताती है, क्योंकि ये बात तो सच है कि जो दूसरे के साथ बुरा करता है उसके साथ खुद भी बुरा होता है। रिशा अस्पताल में अरमान से कहती है कि अरमान प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ। जिस पर अरमान कहता है कि अलीशा जो तुमने किया है उस पर मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं कर सकता, ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। ड्रामा में आगे आप देखेंगे कि अरमान के वालिद उसे कहते हैं कि अलीशा को घर ले आओ। वो कहते हैं कि आखिर वो तुम्हारी बीवी है, तुम जाकर उसे वापस ले आओ। तो अपने बाप से कहता है कि ऐसे रिश्ते का क्या फायदा। अपने वालिद से कहता है कि उसे ना आपका एहसास है ना मेरा। तो उसके वालिद उसे कहते हैं कि तुम क्या चाहते हो। इस बात पर अरमान अपने वालिद से कहता है कि मशल से शादी करना चाहता हूँ। मजीद आगे बढ़ने से पहले व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे चैनल पर हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस शो में आगे आप देखेंगे बुरहान की वालदा बुरहान को फोन करती हैं और उसे कहती हैं, जिसे बुरहान काफी हैरत का इजहार करता है और कहता है बिस्मा हफ्ती का निकाह है, तो आगे से कहती है ना तुम आओगे ना, तो आगे से मना कर देता है। जिस पर अपनी माँ को मना करते हुए कहता है कि मैं अब कभी भी नहीं आऊँगा। ड्रामा में आगे आप देखेंगे बिस्मा खुदकुशी कर लेती है और उनके घर में सफ़े मातम बिछ जाता है। बिस्मा की वालदा अपनी जवान बेटी की लाश देखकर खूब रोती हैं, बहुत चीखती हैं, बहुत चलाती हैं। हाशिर की वालदा उनको संभालती हैं। व्यूअर्स, आपके ख्याल में किसकी मौत हुई होगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज और प्रोमोज के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। फिर मुलाकात होगी किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।